दिल्ली में एक कथित चोर को पेड़ से बांधकर सजा दिए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल आउटर दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में गुरुवार की सुबह चोरी के आरोप में एक युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। उसी दौरान तेज बारिश आ गई और पिटाई करने वालों ने उस शख्स को बारिश में पेड़ से बंधा ही छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। युवक वहां बंधा तड़पता रहा और कुछ देर बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मौके पर जाकर शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जवान लगभग 20-21 साल का अननोन आदमी जिसको पुलिस लेके आई थी, इसके पूरे शरीर पे गहरे जख्मों के निशान और ये बेहोशी के हालत में हमारे पास आया। कोई बीपी या पल्स कुछ भी नहीं मिल रहा था। इलाज के दौरान ये चले गए, हम इनको बचा नहीं पाए। ट्रीटमेंट किया तो कैसी कंडीशन थी उसकी? क्या कंडीशन दयनीय थी? बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा था इसका। बहुत मुश्किल से हमें एक नस मिली, बस पुतलियां चल रही थी, इसलिए हमने इलाज किया, वरना और शरीर में कहीं भी कोई जीवन के संकेत नहीं थे। क्या लग रहा था सर, कैसे मौत हुई है? ये चोट लगने के बाद खुले में बारिश के नीचे बंधा रहने के कारण मौत लग रही है। पुलिस के मुताबिक चोरी के आरोप में मारे गए इस शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी और उनके डीवीआर भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। फिलहाल चोर की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।